दिस इज आर्ट बायाज एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू अर्न मनी विद रेड बबल वेबसाइट। कैसे आप जो है रेड बबल वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। ये रेड बबल वेबसाइट है, ठीक है। रेड बबल वेबसाइट जो है सर्विस है जो कपड़ों पे और मुख्तलिफ स्टेशनरी पे प्रिंट करती है। तो उसके लिए आपको सिर्फ डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। और डिज़ाइन ना भी करें तो आप नेट से डिज़ाइन उठा के वो आप सेल कर सकते हैं। तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह होता है। तो सबसे पहले जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और फायदा भी जो है आप सीखते रहें। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे अपना, सही है। जैसे मैंने बनाया हुआ है लेकिन मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो रेड बबल के लिए जो है हमें सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप में क्या करना होगा, यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक आर्टिस्ट साइन अप, दूसरा कस्टमर साइन अप। आर्टिस्ट साइन अप आर्टिस्ट के लिए है जो क्रिएट करते हैं, जैसे हम अभी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और वो टी शर्टों पे, बैग्स पे, कप्स पे और मुख्तलिफ स्टेशनरीज हैं उन पे हम प्रिंट करेंगे। तो वो हम प्रिंट नहीं करेंगे, वो रेड बबल करेगी, लेकिन हम जो है डिज़ाइन उन पे सिर्फ दिखाते हैं। अपने जो प्रोफाइल है हमारा यहाँ पे बनेगा वो हम सिर्फ दिखाते हैं। और दूसरा जो कस्टमर साइन अप है वो इस कस्टमर्स के लिए होता है जो दूसरों के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे अगर आप कस्टमर साइन अप करेंगे तो आप दूसरे किसी आर्टिस्ट की क्रिएशन वो परचेज करने के लिए साइन अप कर रहे हैं, मतलब वो उसमें आप फिर आर्ट वर्क अपने नहीं डाल सकते, वो आप सिर्फ परचेज कर सकते हो, अपने आर्ट वर्क सेल नहीं कर सकते इस अकाउंट के, ठीक है। तो आप आर्टिस्ट से साइन अप करेंगे, यहाँ अपनी ईमेल डालेंगे, यहाँ अपना शॉप नेम लगाएंगे, कोई भी नाम कर सकते हैं, इजी जो जो सर्च करने में इजी हो वैसा नाम रखिए। पासवर्ड आप ना लिख रहे हैं तो ईमेल में स्पेशल ऑफर उसको कर लें तो अच्छा है। ये इनके डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, डिफरेंट न्यूज़ होती हैं हर दफ़ा, हर महीने, हर 15-20 दिन तो ये अपडेट करते रहते हैं। फिर क्या होगा, आप साइन अप कर लेंगे, सही है। साइन अप करने के बाद फिर क्या होगा, आपके पास ईमेल में मेल आएगी, ठीक है। रेड बबल की मेल आएगी, वो मेल आएगी तो आपको एक लिंक मिलेगा, वो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत पहले जो है आ चुकी थी, तो ये जैसे मेरा अकाउंट है जो बेसिकली बंद हो चुका है, वो इस वजह से कि मैंने दूसरों के डिज़ाइन लगाए थे तो मेरा अकाउंट बंद हो गया, तो मैंने अभी दूसरा बना दिया। लेकिन यही आपको मेल भेजते हैं और जो है वो आप कंफर्म करेंगे, देन आप जो है रेड बबल पे आ जाएंगे। अब हमने जैसे बना दिया अकाउंट, अब हम लॉगिन करेंगे। मेरा जैसे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही कोई लॉगिन करूंगा। अब ये जैसे डिजाइन हैं सारे, ये दूसरों ने डिजाइन किए। अब हम जैसे इसको देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इस पे इस तरह लगेगा, ये इस तरह होता है, ये आपका डिजाइन है ये जो है। और ये देखें टी शर्ट पे किसी भी कलर में जो है वो हो सकता है, ब्लैक शर्ट हो, वाइट हो, ब्लैक, ग्रे, सब कलर जो है आप इन सबको सेलेक्ट करते हो जिस जिस पर डिज़ाइन लगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये सबसे पहले जो है आपने कंफर्म कर दिया अकाउंट, देन आप अपनी चीज़ें फिल आउट करते हैं, अपने अकाउंट की सेटिंग करते हैं। अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, ये आप यहाँ पे अपना तस्वीर लगाएंगे और अपनी पेमेंट्स डिटेल ऐड करेंगे,
ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह आप भले ना भी लिखो, कंट्री आप डाल सकते हो, कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट डाल दो, क्योंकि आप बाहर के लोगों को भेजेंगे ना, आप यहाँ के लोगों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान से यहाँ नहीं मंगता है। लेकिन आप मंगवा सकते हो, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रोफाइल आपकी जो है सेट हो गई। अब जो है यहाँ आप आएंगे, फिर यहाँ सेल योर आर्टवर्क में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, एड डिजाइन, सेटअप शॉप। तो होता है ये कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको अपनी एक शॉप बनाते हैं, उस पर अपलोड करते हैं, सही है। तो उसका भी एक एड्रेस वगैरह वो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इनकी पॉलिसी होती है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप आर्टवर्क जो है कोई भी उठाएंगे, आप उसको चेंज करेंगे, सेम टू सेम आप डाउनलोड की हुई तस्वीर नहीं लगा सकते। जैसे ये मैंने नेट से डाउनलोड की है, ये सारी तस्वीरें मैंने नेट से डाउनलोड की। अब हम इनको चेंज करेंगे क्यों? क्योंकि ये जो है पिक्सेलेटेड डिज़ाइन है, छोटे रेजोल्यूशन वाले डिज़ाइन है। आप देख रहे हैं 548x200 डायमेंशन, इसका देखें 600x600 का देखें। और अब ये जो डिज़ाइन है, अगर ये हम लगाएंगे तो ये सही बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको उठाते हैं, सही है, ये देखें जैसे फुल आ गया डिज़ाइन। जैसे इसमें टाइटल मांग रहा है, और टाइटल में हम लिखेंगे ABC डिज़ाइन, ABC वेक्टर लेटर, ठीक है, ABC वेक्टर इंग्लिश लेटर काफ़ी है। मतलब टैग्स इसलिए कि लोग सर्च यही करते हैं कि लेटर्स में किसी को चाहिए इमेज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ABC वेक्टर लेटर्स, कलर कलर। अब जैसे ये देखें, अब हर शर्ट पे आ चुका है डिजाइन। तो होता ही है, ये काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं एनेबल्ड, मतलब ये सही है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा। आप जैसे थोड़ा सा आप इसको जूम आउट, सही बैठ गया, अप्लाई चेंज, ये सेट हो गया। अब इस तरह होता क्या है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनको आपको सेट करना है, क्योंकि ये आप आपके स्टोर से डिज़ाइन जा रहा है, और ये लोग ऑफर ऑर्डर करते हैं, और वो उनको अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, ये आउट इस तरह जाएगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन ये इस तरह होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कलर कोई भी हो सकता है। अब जैसे देख रहे हैं इसमें एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये रिमूव नहीं किया। तो आप हमेशा PNG फाइल उठाएंगे। अब वो कैसे होगा, वो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि PNG फाइल फोटोशॉप पे ही होती है, किस तरह होगी, तो वो लगा सकते। अच्छा, अब ये जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो भी है आपने सेट कर दिए। अब जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है मीडिया सेट अप टू 2, तो इसमें आप डिज़ाइन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि डिज़ाइन एंड डिजिटल आर्ट, सही है। और कलेक्शंस यहाँ पे आपकी अगर बनी हुई हैं तो आप इसमें ये डिज़ाइन ऐड कर देंगे, तो वो आपके कलेक्शन में चले जाएंगे, जैसे लेटर्स कलेक्शन, टाइपोग्राफी, एनिमल्स या कुछ भी। अच्छा, डिफॉल्ट योर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज रिकमेंड, ऑप्टिमाइज मीन एडवर्टाइज। अच्छा, ये ऑप्टिमाइज इसलिए कि आपके जैसे प्रोडक्ट दूसरे भी जो है मिक्स नजर आएंगे, तो एनी बडी मतलब सब आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इस डिज मैच मतलब इसका कंटेंट में कुछ खराबी तो नहीं है।